हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। पीए लीगल क्लासेस दे यूट्यूब चैनल अते फेसबुक चैनल ते तुहाडा स्वागत है। तो आपां जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कर रहे थे, जिसमें हमने सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 किया था लास्ट लेक्चर में, और मुझे उम्मीद है आपको वो लेक्चर समझ आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। तो आज हम करेंगे हमारा जो सेक्शन 6 का सब सेक्शन 2 है, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले वेयर एक्ट लैंग्वेज देखेंगे, देन उसके बाद देखेंगे जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होंगे उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ये है कि मुझे उम्मीद है आपने जो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 है वो आपको समझाया होगा। एक बार उसको रिकैप ले लेते हैं, देन फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं। इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड, और डिस्पोजेस्ड में हमने किया था दो जो कंडीशंस है वो रिक्वायर्ड है। एक तो एक्चुअल में डिस्पोजेस्ड होना चाहिए, एंड नंबर दो जो सेकंड है वो है प्रायर पोजेशन, कि जब पर्सन को एक्चुअल डिस्पोजेस्ड किया गया तो वो पर्सन क्या था, प्रायर पोजेशन में होना रिक्वायर्ड है। देन उसके बाद है विदाउट हिज कंसेंट, कि उसकी कंसेंट के बगैर उसे क्या है, डिस्पोजेस्ड किया गया। और ए कंसेंट दे मस्ट बी मस्ट जो है, कंसेंट मस्ट बी फ्री, कि जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए। देन उसके बाद था इमूवेबल प्रॉपर्टी, और जो वर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो जहां पर डिफाइन नहीं किया गया, इसलिए हमने सेक्शन 3 सब सेक्शन 26 जनरल क्लॉज एक्ट की हेल्प से देखा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। देन उसके बाद अदर देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, की जो चीज लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हुई, ठीक है। देन उसके बाद पर्सन खुद कर सकता है, देन जिसके थ्रू हुम ही हैज बीन इन पोजेशन, ठीक है। जे 2018 की अमेंडमेंट के साथ इन वर्ड्स को जो ब्रैकेट में है इसे ऐड किया गया था। देन उसके बाद क्लेमिंग थ्रू हिम जो था, मीन सबलेट, कि मान लो किसी टेनेंट ने आगे वो है सबलेट किया है कि पोजेशन को रिकवर कर सकते थे। देन उसमें है लास्ट लाइन जो बताती है कि जो ऑनरशिप है वो कोई डिफेंस नहीं है, क्योंकि अंडर सेक्शन 6 हमने क्या है, जो पोजेशन के लिए सूट फाइल करना है, ऑनरशिप के लिए सूट फाइल नहीं करना। तो मुझे उम्मीद है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था वो आपको समझ आया होगा। आज फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब ऊपर तो कहता था कि हमने क्या है, सूट फाइल करना है किसके लिए, रिकवर ऑफ पोजेशन, ठीक है। सब सेक्शन 1 में यही कहा था कि हमने सूट फाइल करना है किसके लिए, रिकवर ऑफ पोजेशन, कि हमने पोजेशन रिकवर कराना है किसके लिए, कि हमें डिस्पोजेस्ड कर दिया, राइट। पर जो सबसेक्शन 2 है जहां पर कहता है आप सूट नहीं फाइल कर सकते, ठीक है, सबसेक्शन 1 में कह रहा है सूट फाइल करना है रिकवर ऑफ पोजेशन के लिए, लेकिन जो सबसेक्शन 2 है वहां पर आते आते कहता नहीं हमने नहीं सूट फाइल करना। सो हमने क्यों नहीं सूट फाइल करना, उसके पीछे क्या कारण है, उसके बारे में बात करते हैं। सो इसमें कहता है नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट। अब सबसेक्शन 2 में कहता है कि हमने सूट नहीं फाइल करना, किन दो कंडीशंस है, कब, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, और यहां पर वर्ड और है, ठीक है। अगर आपको 6 मंथ से ज्यादा टाइम हो गया डिस्पोजेस्ड किए हुए और आप क्या है कोर्ट में जाकर सूट फाइल नहीं किया, देन उसके बाद आप सूट फाइल नहीं करोगे, एक बात। दूसरा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ जो है सूट फाइल नहीं कर सकते, ये है सेकंड बात, ठीक है। जो सब सेक्शन 2 कह रहा है, सेक्शन 6 का 2 दो बातें इसमें बताई है, कि एक तो है कि आफ्टर 6 मंथ जो है आप सूट नहीं फाइल कर सकते जब आपको क्या है डिस्पोजेस्ड कर दिया, और दूसरा आप गवर्नमेंट के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकते। पर अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो कि मान लो ए है, ए को डिस्पोजेस्ड किया गया और वे कोर्ट में गया आफ्टर 6 मंथ, तो क्या ये कॉन्डनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगा सकता है, क्या इसके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल होगा कि वो कह सके कि सर मेरे पास रीजनेबल जो कॉज है, मैं क्यों नहीं विद इन 6 मंथ कोर्ट में आ सका, क्या जैसे हमने लिमिटेशन एक्ट में किया था सेक्शन 5 में, क्या हम जो रीजनेबल कॉज है, सफिशियंट कॉज है, उसे प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए ये सूट वर्ड है, इस बात का आपने ध्यान रखना, नो सूट। सो इसलिए ऑर्डर 7 रूल 6 सीपीसी का कहता है कि अगर आपके पास सफिशियंट कॉज है, देन आप क्या है आफ्टर 6 मंथ भी क्या है सूट फाइल कर सकते हो,
ठीक है ही। देन आप क्या है आफ्टर 6 मंथ भी सूट फाइल कर सकते हो, लेकिन ऑर्डर 7 रूल 6 के अकॉर्डिंग आपको सफिशियंट जो कॉज है वो प्रूव करना पड़ेगा। अब मान लो जो ये है वो ट्रेसपासर है, और मान लो कह लो कि जी लोकल गुंडा है, कि गैंगस्टर है, इसके गैंगस्टर के साथ लिंक है, उसमें टच में रहता है। सॉरी प्लीज 1 सेकंड का टाइम देना है प्लीज। ठीक है, मान लो जो लोकल गुंडा है, अब बी है, मान लो कि बी लैंडलॉर्ड है, इसे डिस्पोजेस किया और ए ने क्या किया, बी को थ्रेट दी कि अगर आपने किसी पुलिस ऑफिशियल को बताया, अगर आपने कोर्ट में जाकर हमारे खिलाफ सूट फाइल किया, तो मैं आपको फैमिली को किसी मेंबर को क्या है उसे डेथ, उसे क्या है कि उसे डेथ कर दूंगा, या मैं तुझे क्या है शूट कर दूंगा, मीन्स उसे थ्रेट दी। ठीक है, और ये जो भी है वे कोर्ट में नहीं गया 6 मंथ तक। ठीक है, ये कोर्ट में नहीं गया 6 मंथ तक, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या था, थ्रेट दे से इसके ऊपर प्रेशर था, ये डर का मार अपनी फैमिली के लिए ये कोर्ट में नहीं गया। अब 6 मंथ के बाद जब उसे लगा कि अब प्रेशर जो है कम है या खत्म हो गया, तो वो क्या है, वो कोर्ट में गया, और कोर्ट में जाकर अब सूट फाइल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ऑर्डर 7 रूल 6 में वो कह सकता है कि मेरे पास सफिशियंट कॉज है सर, मेरे पास सफिशियंट कॉज है, मेरे ऊपर प्रेशर था, मेरे को थ्रेट्स आ रहे, इसलिए मैं कोर्ट में आकर सूट फाइल तब नहीं कर पाया जब मुझे डिस्पोजेस्ट किया गया। ठीक है, तो मेरे को थ्रेट्स आ रही, इसलिए मैं जो है 6 मंथ कोर्ट में नहीं आ सका, मेरे पास सफिशियंट कॉज है, मैं उसे एक्सप्लेन कर सकता हूं, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं कि मैं क्यों 6 मंथ कोर्ट में नहीं आ सका। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको जो फर्स्ट पॉइंट है ए पॉइंट अब कवर हुआ होगा। सेकंड पॉइंट है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि आप क्या है गवर्नमेंट के खिलाफ जो क्या है सूट फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, पर अब जहां पर क्वेश्चन ये है कि जहां पर जो टाइम पीरियड है ये 6 मंथ का क्यों रखा। अब क्वेश्चन तो ये भी है कि जो टाइम पीरियड इतना शॉर्ट क्यों रखा। जब हम डिफरेंसेस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन 5 में कितना टाइम है, सेक्शन 6 में कितना टाइम है। लेकिन आप एक बार समझ लो, जो 6 मंथ टाइम पीरियड है वो कम है, लेकिन इसके पीछे क्वेश्चन ये है कि ये 6 मंथ का टाइम पीरियड ही क्यों रखा, इतना कम क्यों रखा, इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे कारण है जो सेक्शन 6 है इसमें स्पीडी रेमेडी प्रोवाइड की गई है। इसमें क्या है, स्पीडी रेमेडी प्रोवाइड की गई है। अगर स्पीडी रेमेडी है तो इसलिए जो कम टाइम पीरियड प्रोवाइड किया है, इसके पीछे कारण ये भी है। ये थोड़ा कि पर्सन को एक बार मान लो कि उसे डिस्पोजेस कर दिया, तो जिस पर्सन को डिस्पोजेस किया वो तो फॉरेन ही कोर्ट में जाएगा। ठीक है, वो तो फॉरेन ही कोर्ट में जाएगा। ये थोड़ा कि वो पर्सन मान लो कि 5 साल 10 साल 15 साल वो कोर्ट ही नहीं जाएगा, इसलिए ये टाइम पीरियड कम रखा है, जो स्पीडी रेमेडी है, ताकि छेती से जो है रिलीफ मिल सके कि जिस पर्सन को डिस्पोजेस किया गया है उसे वापस उसे पोजेशन में बिठाया जाए। इसलिए सेक्शन 6 में जो सूट फाइल अगेंस्ट पोजेशन होता है, ऑनरशिप के नहीं। और जो सब सेक्शन 6 का, जो सेक्शन 6 का सब सेक्शन 1 का था, उसकी लास्ट लाइन ने क्लियर किया है कि ऑनरशिप किसी तरह का कोई डिफेंस नहीं है, कि जो ऑनरशिप है वो किसी तरह का कोई डिफेंस नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है अब आपको जो सेक्शन 6 है और सेक्शन 6 का सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 आपको समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन है, क्या अगर मान लो ऑर्डर होता है अंडर सेक्शन 6 में कि उसकी अपील हो सकती है, उसका रिव्यू हो सकता है, उसके बारे में आगे हैं। आप ऐसा भी पढ़ सकते हो, अपील शैल नॉट लाई कहां से, फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास किसमें, एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन, नॉर शैल एनी रिव्यू और एनी सच ऑर्डर ऑफ डिक्री अलाउड। सो मीन्स टू से कि अगर अंडर सेक्शन 6 में कोई ऑर्डर होता है, कोई डिक्री होती है, तो ना तो अपील फाइल होगी, ना उसका रिव्यू फाइल होगा। ठीक है, ना उसकी क्या है अपील फाइल होगी, ना उसका रिव्यू फाइल होगा। अब रिव्यू है जो सीपीसी में सेक्शन 114 में 140 में प्रोवाइड किया गया है। रिव्यू कहां पर है, सेक्शन 140
सीपीसी में जो प्रोवाइड किया गया है। तो सेक्शन 6 का सब सेक्शन 3 कह रहा है कि अगर कोई डिक्री है, कोई ऑर्डर है अंडर सेक्शन 6 के, ना तो वो अपीलेबल होगा नॉर रिव्यू, ना उसका रिव्यू फाइल होगा ना उसकी अपील फाइल होगी। अब इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे भी बहुत सेम कारण है, क्योंकि जो स्पीडी रेमडी है, ऐसा नहीं कि पहले पर्सन को क्या है, पहले उसे डिक्री मिली देन उसके बाद फिर वो अपील में फिरे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो स्पीडी रेमडी है, ये क्या है जी, स्पीडी रेमडी है, ठीक है जी, ये क्या है जी, स्पीडी रेमडी है। पर अगर मान लो ना तो अपील हो सकती है ना रिव्यू हो सकता है, तो क्या रिवीजन फाइल हो सकती है अंडर सेक्शन 6 में? चलो ये तो क्लियर है कि अंडर सेक्शन 6 और सब सेक्शन 3 में कि ना तो अपील फाइल होगी ना रिव्यू फाइल होगा, पर क्वेश्चन ये है क्या रिवीजन फाइल हो सकती है, क्या रिवीजन फाइल हो सकती है? तो इसका आंसर है यस, रिवीजन फाइल हो सकती है। इस बात का आप ध्यान रखना, जो अंडर सेक्शन 6 है उसमें रिव्यू और अपील फाइल नहीं हो सकता, लेकिन रिवीजन फाइल हो सकती है सेक्शन 115 सीपीसी में जो प्रोवाइड किया है। और एक जनरल रूल माना जाता है रिवीजन के केस में कि जहां पर अपील और रिव्यू लाई नहीं करता वहां पर रिवीजन लाई करती है, जहां पर अपील और रिव्यू लाई नहीं करता वहां पर रिवीजन लाई करती है, ये एक नॉर्मल प्रिंसिपल्स माना जाता है। सो इसलिए जो अंडर सेक्शन 6 है सब सेक्शन 3 में इसमें क्या है रिवीजन फाइल होगी। अब एक हम चार्ट बनाते हैं, ठीक है, जो इसमें क्या है नो अपील और रिव्यू। बस आप इस बात का ध्यान रखना, ना तो अपील फाइल होगी ना रिव्यू फाइल होगा, लेकिन रिवीजन फाइल होगी, क्योंकि ये जनरल रूल माना जाता है कि जहां पर अपील फाइल नहीं होती वहां पर रिव्यू जो है सॉरी रिवीजन होती है वो लाई करती है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको सब सेक्शन 3 तक है जो वो समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सोइंग टू एस्टैब्लिश हिज टाइटल। अब टाइटल क्या है? ऑनरशिप के बारे में कि वो ऑनर है, ऑनरशिप सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजेशन। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब मान लो ए ट्रेसपासर है, ए ट्रेसपासर है, ठीक है, ए क्या है ट्रेसपासर है, और वो क्या है पिछले 3 साल से या 4 साल से जो 3-4 years के पीरियड में वो क्या है वो बी की प्रॉपर्टी में क्या है कब्जा कर कर बैठा है, ठीक है, जो बी की प्रॉपर्टी है, बी क्या है लैंडलॉर्ड है, उस पर ऊपर कब्जा कर कर बैठा है। अब बी ने क्या किया, जो लैंडलॉर्ड है उसने ए को क्या किया डिस्पोजेस्ट कर दिया, उसने कहा मेरी प्रॉपर्टी है, उसने किया डिस्पोजेस्ट कर दिया। चलो ये तो ठीक है कि बी ने डिस्पोजेस्ट कर दिया, लेकिन बी अपने हाथ में लॉ तो ले नहीं सकता, बी के पास क्या ऑप्शन था? अब बी के ऑप्शंस की बात करते हैं, जहां तो बी के पास ऑप्शन है वो क्या है कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाकर वहां से क्या है डिक्री ले ले, ठीक है, कोर्ट में जाकर क्या करे डिक्री ले ले, लेकिन उसने ये नहीं किया, ना तो वो कोर्ट में गया ना उसने कोर्ट से डिक्री ली, उसने क्या किया लोकल गुंडास को बुलाया, ठीक है, जो लोकल गुंडास गैंगस्टर होते हैं उसको बुलाया और बुलाकर क्या किया ए को डिस्पोजेस कर दिया, ए को क्या किया डिस्पोजेस कर दिया। अब सेक्शन 6 में हमने ऑनरशिप तो प्रूव नहीं करनी, सेक्शन 6 में हमने ऑनरशिप तो प्रूव नहीं करनी, हमने सिर्फ उसमें क्या देखना है पोजेशन, हमें दो चीजें प्रूव करनी है कि एक्चुअल में डिस्पोजेस्ड होना चाहिए और मैं प्रायर पोजेशन में था, इन्हें ये दोनों बातें प्रूव कर दी कि मेरे को एक्चुअल डिस्पोजेस्ड किया गया और जब मुझे डिस्पोजेस्ड किया गया तो मैं प्रायर पोजेशन में था। तो कोर्ट ने क्या किया ए को पोजेशन दे दिया, ए को क्या किया पोजेशन दे दिया, क्यों, क्योंकि बी ने क्या था गुंडास को बुलाया, उसने कोर्ट से डिक्री नहीं ली, ठीक है, जो लैंग्वेज कहती है अदर देन, ठीक है, अदरवाइज देन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, उसने ड्यू कोर्स ऑफ लॉ तो फॉलो नहीं किया, उसने अदरवाइज देन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, और जो सेक्शन 6 की लैंग्वेज कहती थी ए ने प्रूव कर दी, लेकिन ये क्या है ट्रेसपासर है,
बी क्या है? ऑनर है, ओनरशिप है, मीन्स कि वो मालिक है। तो क्या अब बी के पास कोई ऑप्शन नहीं है? वो मालिक है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ चल गया, ए को फिर पोजेशन मिल गया। तो अब बी के पास राइट है, वो अंडर सेक्शन 5 में वो क्या अपना ऑनरशिप प्रूव कर सकता है, वो अपना टाइटल प्रूव कर सकता है। वो कह सकता है कि सर मेरी ऑनरशिप है, मेरी टाइटल है। वो अपने जो उसके प्रॉपर्टी के पेपर हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो दिखा सकता है, उसे प्रूव कर सकता है। तो इसलिए यही जो लास्ट लाइन है, जो सब सेक्शन 4 है, ये कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टैब्लिश हिज टाइटल। कि अगर मान लो कि जो ओनर ने या जो मैं सामने एग्जांपल की ए को डिस्पोजेस्ड भी किया है और कोर्ट ने वापस से ए को पोजेशन में बिठा दिया, तो बी के पास राइट है कि वो सेक्शन 5 में जाकर क्या कर सकता है, वो अपना टाइटल प्रूव कर सकता है। अब मेरे मन में इसके ऊपर अब क्वेश्चन है कि अगर सेक्शन 5 में सूट डिसमिस हो जाता है तो क्या हम सेक्शन 6 में सूट फाइल कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। अगर सेक्शन 5 में सूट डिसमिस हो जाता है या फेल हो जाता है तो सेक्शन 6 में सूट फाइल हो सकता है, एक बात। अब दूसरा क्वेश्चन है, अगर सेक्शन 6 में सूट फेल हो जाता है तो क्या हम वापस सेक्शन 5 में सूट फाइल कर सकते हैं? अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर है, अगर सेक्शन 5 में सूट फेल हो जाता है देन हम सेक्शन 6 में सूट फाइल नहीं कर सकते। अगर जो सेक्शन 5 है, अगर सेक्शन जो 5 है, इफ सूट फेल अंडर सेक्शन 5 देन वी कांट फाइल्ड सूट अंडर सेक्शन 6। कि हम सेक्शन 6 में फिर सूट नहीं फाइल कर सकते। अगर सूट सेक्शन 5 में डिसमिस हो गया या फेल हो गया तो हम सेक्शन 6 में फाइल नहीं कर सकते, लेकिन अगर सेक्शन 6 में सूट फेल हो गया तो हम सेक्शन 5 में जाकर सूट फाइल कर सकते हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है, अब इसके पीछे कारण क्या कारण है वो देखते हैं। सेक्शन 5 में क्या है, सेक्शन 5 में क्या है, टाइटल, कि हमने टाइटल प्रूव करना है, ऑनरशिप। और सेक्शन 6 में क्या प्रूव करना, पोजेशन। और पोजेशन के लिए हमने किया, हमें दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो एक्चुअल डिस्पोजेस्ड किया और एक प्रायर पोजेशन में था जब हमें डिस्पोजेस्ड किया, ठीक है, दो बातें प्रूव करनी है। अब मान लो ए ने क्या सेक्शन 5 में प्रूव किया कि मैं ऑनर हूं, लेकिन ए प्रूव नहीं कर सका। ए क्या है, प्रूव नहीं कर सका, मीन्स ए कहता है कि मेरी ऑनरशिप है, लेकिन ए अंडर सेक्शन 5 में प्रूव नहीं कर सका। तो अब सेक्शन 6 में वो कहां से ये कहेगा कि मुझे सेक्शन 5 में तो सिर्फ जो सेक्शन 6 में वो तो पोजेशन के लिए है। अगर मान लो सेक्शन 6 में लैंडलॉर्ड है जो, ठीक है, जो कहता है कि मैं लैंडलॉर्ड हूं, एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं, ए है बी है, ए ट्रेसपासर है, बी कहता है कि मैं लैंडलॉर्ड हूं, ठीक है, बी ने क्या किया, ए को बाहर निकाल दिया ट्रेसपासर को। ए कोर्ट में जाकर ट्रेसपासर है जो डिक्री ले लेता है, मींस की पोजेशन ले लेता कि मेरे को डिस्पोजेस्ड किया, और जब डिस्पोजेस्ड किया गया तो मैं प्रायर पोजेशन में था, जो सेक्शन 6 की लैंग्वेज कहती है वो फुलफिल कर देता, एक बात। अब बी के पास ऑप्शन क्या है, बी के पास सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग वो टाइटल प्रूव कर सकता है, राइट, क्योंकि सेक्शन 6 में अब सूट फेल हो गया उसके खिलाफ, अब वो सेक्शन 5 में जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि सेक्शन 5 में वो अपना टाइटल ही नहीं प्रूव कर पाया, वो अपनी ऑनरशिप ही नहीं प्रूव कर, अगर वो ऑनरशिप ही नहीं प्रूव कर पाया देन वो किस कैपेसिटी में सेक्शन 6 में ये कह सकता है कि मैंने इसे बाहर निकाला, डिस्पोजेस्ड किया, क्योंकि मैं ऑनर, ऑनर तो वो प्रूव ही नहीं कर पाया, ऑनरशिप तो वो प्रूव ही नहीं कर सका। इसलिए अगर सेक्शन 5 में सूट फेल हो जाता है तो सेक्शन 6 में सूट फाइल नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर सेक्शन 6 में सूट फेल हो गया तो आप सेक्शन 5 में सूट फाइल कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको जहां तक जो डिस्कशन है आपको समझ आई होगी। आप एक बार फिर से जो चारे सब सेक्शन है, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 3 एंड 4, आप ध्यान से देख ले, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहता फॉर मेंस पर्सपेक्टिव, ठीक है, ये मेंस पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट रहता है।
देन एक इसमें और क्वेश्चन रहता है कि सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 में डिफरेंसेस क्या है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि जहां पर करेंगे तो मिक्स हो जाएगा। सो वो एक शॉर्ट सा लेक्चर होगा, वो हम क्या है नेक्स्ट एक सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है जहां तक जो सेक्शन 6 है उसके 4 ही सब सेक्शन है आपको समझाए होंगे। अब इसमें हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बचा है वो है ऑब्जेक्ट, कि सेक्शन 6 को इस तरह बनाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, कि सेक्शन 6 को इस तरह से बनाने के पीछे उसका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा। सबसे पहले तो एक वर्ड यूज किया गया अदरवाइज देन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, अदरवाइज देन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, तो इसका मतलब क्या है कि जो पीपल है उनको रोका जाए लॉ को अपने हैंड में लेने से, कि जो पब्लिक है कि उन्हें रोका जाए कि आप क्या है लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सकते, आप ऑनर भी हो, जैसे हमने वही एग्जाम्पल की थी, ठीक है, वही एग्जाम्पल की थी कि ए है एंड बी है, ठीक है, ए है एंड बी है, ए क्या है ट्रेसपासर है, अब हमें पता है ए ट्रेसपासर है और बी जहां पर ठीक है वो लैंडलॉर्ड है, उसके पास ऑनरशिप है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लोकल गुंडा जबलाए और ए को बाहर निकाल दे, ठीक है। जब हमारे पास लॉ है, जब हमारे पास लेजिस्लेशन द्वारा एक लेजिस्लेशन फुल फ्लेज एक्ट है, देन हम लॉ को अपने हाथ में क्यों ले, हमारे पास अगर लॉ है देन हम कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जाकर कोर्ट डिक्री ले, कोर्ट डिक्री जाकर जो ऑफिशियल बॉडीज होती है जैसे पुलिस होती है उससे दिखाएं कि भाई मेरे पास डिक्री है इस पर्सन को बाहर निकालो डिस्पोजेस को, क्योंकि ये मेरे जो है प्लेस पर बैठा है इसे बाहर निकालो, तो जो पुलिस ऑफिशियल होगी वो आपकी हेल्प करेगी। ऐसा थोड़ा हुआ कि आपने मान लो कि अगर कोर्ट से भी डिक्री ले लेते हो तो कोर्ट से डिक्री लेने के बाद आप लोकल गुंडा से लेकर उसे बाहर निकाल दो उठाकर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आपके पास डिक्री, आपको जो गवर्नमेंट ऑफिशियल बॉडीज बनी है जैसे पुलिस है अथॉरिटीज है उसकी हेल्प से आप बाहर निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि हम लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सकते। क्या है इसका ऑब्जेक्ट, क्या है, रोकता है, टू प्रिवेंट करता है, ठीक है, कि लॉ को आपने हाथ में लेने से रोकता है। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्पीडी रेमडी, इसलिए 6 मंथ का टाइम पीरियड दिया गया कि जो रेमडी है उसे क्या है स्पीडअप किया जाए, ठीक है, उसे क्या है उसे स्पीडअप किया जाए, सो कि जो जिस पर्सन को डिस्पोजेस्ड किया है उसे वापस पोजेशन में बिठा दिया जाए। अब मान लो किसी पर्सन को डिस्पोजेस्ड किया, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो पर्सन कहां पर जाएगा, ठीक है, वो पर्सन कहां पर जाएगा, इसलिए ही इसे स्पीडी रेमेडी बनाया है, सो कि बहुत कम समय में उस पर्सन को वापस जो है पोजेशन मिल जाए, और जो बात टाइटल की है वो केस चला जाएगा। अगर मान लो कि दूसरी पार्टी ठीक है टाइटल प्रूव कर देगा तो ठीक है केस चलेगा, वो टाइटल प्रूव कर दे, जब टाइटल प्रूव कर देगा डिक्री आ जाएगी तो जो ऑफिशियल बॉडीज होगी वहां पर आप ले जाकर उस पर्सन को बाहर निकाल देना, लेकिन जब तक आपका टाइटल प्रूव नहीं होता तब तक उस पर्सन को तो पोजेशन में बैठाओ। ऐसा तो नहीं है कि आप उसे बाहर निकाल दिया तो वो सड़क में बैठा रहे, नो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, इसलिए उस पर्सन को वापस पोजेशन में बैठा दिया जाएगा जिसे डिस्पोजेस किया। अगर आपके पास टाइटल है देन आप प्रूव करो, जब तक आप प्रूव नहीं करोगे वो पर्सन क्या है पोजेशन में रहेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है जहां तक कि आपको डिस्कशन समझ आई होगी और जो 2 मेन ऑब्जेक्ट है इसके 2 मेन ऑब्जेक्ट है वो आपको समझ आए होंगे। एक तो ये है कि लॉ को अपने हाथ में लेने से रोकता है और दूसरा ऑब्जेक्ट है स्पीडी रेमडी की ट्रायल को स्पीड अप करता है, ठीक है, सो कि जो है जिस पर्सन को डिस्पोजेस्ड किया है उसे वापस पोजेशन में बिठा दिया जाए। अब एक लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन 6 के कंटेस्ट में कि जब हमने सेक्शन 6 की एप्लीकेशन लगानी है उसके साथ हम क्या क्या क्लेम कर सकते हैं, क्या हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, क्या हम मेसोनरी प्रॉफिट्स क्लेम कर सकते हैं, क्या हम इसके अलावा कोई और एंटायरम रिलीफ क्लेम कर सकते हैं, क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जब हमने सेक्शन 6 की एप्लीकेशन फाइल करनी है देन उसके साथ हम क्या है डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, मेसोनरी प्रॉफिट्स क्लेम कर सकते हैं, कोई अदर्स जो एंटेरिम
रिलीफ है वो क्लेम कर सकते हैं। क्या हम इनको सेक्शन 6 में पोजेशन के साथ साथ रिकवरी ऑफ पोजेशन तो हमने करना ही है। सेक्शन 6 में क्या है? रिकवरी ऑफ पोजेशन। सेक्शन 6 में क्या है कि हमने पोजेशन रिकवर करना है, राइट। पर क्वेश्चन यह है कि रिकवरी ऑफ पोजेशन के साथ साथ हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, हम मैसोनरी प्रॉफिट्स क्लेम कर सकते हैं, या कोई अदर इंटरिम रिलीफ है वो क्लेम कर सकते हैं। डैमेजेस तो आप सभी को पता होगा, पर मैसोनरी प्रॉफिट्स क्या है उस बात को भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। मैसोनरी प्रॉफिट्स क्या है, मान लो जैसे ए है एंड बी है, ए लैंडलॉर्ड है, ठीक है, ए लैंडलॉर्ड है। ए जहां पर कहे कि जितना टाइम बी कहे कि ए ने मेरी प्रॉपर्टी में रहा है, मींस कि मान लो कि वो क्या है, रेंट पर दी गई है, जितना रेंट ए ने रिसीव किया है टेनेंट से वो मुझे वापस करे, उसे कहते हैं मैसोनरी प्रॉफिट। क्या वो मैसोनरी प्रॉफिट क्लेम कर सकता है या कोई और अदर रिलीफ रिकवरी ऑफ पोजेशन के साथ क्लेम कर सकता है? तो इसका आंसर है नो। अंडर सेक्शन 6 में आप सिर्फ रिकवरी ऑफ पोजेशन कर सकते हो, इसलिए आपको 6 मंथ का टाइम दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये एक स्पीडी रेमडी है। इसके पीछे क्या है? क्योंकि ये स्पीडी रेमडी है, ठीक है, ये क्या है, ये स्पीडी रेमडी है। इसलिए अंडर सेक्शन 6 आप सिर्फ रिकवरी ऑफ पोजेशन कर सकते हो, इसके अलावा आप ना डैमेजेस क्लेम कर पाओगे, ना मैसोनरी प्रॉफिट्स क्लेम कर पाओगे, और ना अदर इंटरिम रिलीफ वो क्लेम कर पाओगे। लेकिन जब आपने सेक्शन 5 में टाइटल प्रूव करना है, तब आप सेक्शन 5 में डैमेजेस भी क्लेम कर पाओगे, मैसोनरी प्रॉफिट्स भी क्लेम कर पाओगे, और अदर इंटरिम रिलीफ वो भी क्लेम कर पाओगे। तो जब हमने डिफरेंसेस करने हैं तब मैं आपको एक सेपरेट इस पॉइंट को लिखा दूंगा। लेकिन जहां पर आप समझ लो कि सेक्शन 6 में ना आप डैमेजेस क्लेम कर पाओगे, ना मैसोनरी प्रॉफिट और ना अदर इंटरिम रिलीफ, क्यों? क्योंकि ये स्पीडी रेमडी है, जहां पर आपको पोजेशन मिलेगा जो आपने डिस्पोजेस जो आपको किया गया है। तो मुझे उम्मीद है जो अब तक सेक्शन 6 के 4 सब सेक्शंस हैं, उसकी लैंग्वेज प्लस उसके साथ जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहता है सेक्शन 6 का, और क्या क्या हम उसके साथ क्लेम कर सकते हैं, इन बातों का आपको समझ आई होगी। मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा कि आपने ऑब्जेक्ट से दूर नहीं जाना। सेक्शन 6 का ऑब्जेक्ट क्या है, आप लॉ अपने हाथों में लेनी नहीं ले सकते, एक बात। दूसरा, सेक्शन 6 में क्या है, स्पीडी रेमडी है, कि प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए जे टाइम पीरियड रखा गया है 6 मंथ का, ठीक है। दो जे ऑब्जेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑब्जेक्ट पता है तो मैं 100% श्योर आप कभी भी रॉन्ग डायरेक्शन में सेक्शन 6 के इंटरप्रिटेशन को नहीं ले जाओगे, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट क्लियर है। एक तो स्पीडी रेमडी के लिए, अगर स्पीडी रेमडी है तो इसलिए आप ना मैसोनरी प्रॉफिट ले सकते हो, ना आप क्लेम कर पाओगे, ना अदर इंटरिम रिलीफ, क्यों? क्योंकि वो स्पीडी रेमडी है, छेती प्रोसेस स्पीडअप में चलेगा, और आप लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सकते, इसलिए आप क्या है, डिस्पोजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर डिस्पोजेस किया तो उसके लिए दो चीजें, दो जो कंडीशंस है वो प्रूव करनी पड़ेगी। एक तो एक्चुअल डिस्पोजेशन है, और जब डिस्पोजेशन किया गया तो मैं प्रायर पोजेशन में था, बस ये दो बातें प्रूव करनी है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको सेक्शन 6 की जो लैंग्वेज है वो क्लियर हुई होगी। अब लास्ट में हमारा एक डिफरेंसेस बताते हैं सेक्शन 5 एंड 6 में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो शॉर्ट लेक्चर होगा वहां पर हम कवर कर लेंगे, जो सेपरेट लेक्चर करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, और जो हमारा फेसबुक पेज है वहां पर आप मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू।